नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों अभी हमें बाईपास में हैं, ये आप देख रहे हैं, ये बाईपास है। आज के वीडियो में मैं यही दिखाने वाला हूँ बाईपास का क्या क्या काम चल रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे ये बॉक्स कलवर्ट है, इसके क्रश बैरियर का फिलिंग, क्रश बैरियर भरने का कॉन्क्रीट चल रहा है। आइए मैं आपको नज़दीक से दिखाते हैं कैसे क्रश बैरियर का कॉन्क्रीट किया। तो यहाँ चल रहा है कंक्रीट का काम, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसा TM है और ये यहाँ पर कंक्रीट है, इसका क्रश बैरियर है, कंक्रीट चलती है। ये देखिए, ये चालू है इसकी कंक्रीट। ये चालू है, इसको पहले अच्छे से फिल कर लेंगे, बाद में इसके बाद फिर इसमें वाइब्रेटर भी चलाते जाएंगे साथ साथ में। ये कंक्रीट बहुत सावधानी से करनी पड़ती है और बिल्कुल आराम आराम से। ये हमारा जितेंद्र मिलर ड्राइवर है, वो हमारा इंजीनियर खड़ा है कैलाश, ये कॉन्ट्रैक्टर। तो ये इसका LHS वाला पार्ट है, उसका ये कंक्रीट हो चुका है, आपको तो दिखा रहा हूँ मैं। वो RHS वाला पार्ट है, उसका कंक्रीट हो रहा है। तो इधर ये सामने की तरफ यहाँ पे चल रहा है, ये GSB का बेड है, इसकी रोलिंग हो रही है अभी। बड़ा हमारा कैट का ग्रेडर, ये ग्रेडर अभी हमारी दूसरी साइड से आया है, कल ही आया है, ये कोल्हापुर वाली साइड से आया है। हाँ भाई, ये GSB का बेड पे ये रोलिंग हो रही है, ये कर रहे हैं हमारे बिट्टू पाजी हैं, एस्कॉर्ट का रोलर है। ब्रिज के अप्रोच बचे हैं बस, ज़्यादा कुछ काम बचा नहीं है अभी यहाँ पे। तो ये जो कैट का ग्रेडर आप देख रहे हैं, ये अभी परसों नहीं, कल ही आया है, कोल्हापुर वाली साइड से आया, पर इसका सर्विस करके यहाँ पे चालू किया था हमने, कुछ प्रॉब्लम सी आ रही कुछ। ये बाजू में बुट्टू बाजी यहाँ पे रोलिंग करते हुए हमारे, मैं कुछ ना ट्रांसमिशन ऑयल गिर रहा है बहुत। दोस्तों ये जो कैट का ग्रेडर आप देख रहे हैं ना, ये 2007 मॉडल है, ये तमिलनाडु से आया है, वहाँ से हम लोगों ने परचेस किया था इसको। एक कैट का डोज़र है, वो लगभग 31 लाख रुपए में आया था, वो जो डोज़र मैंने आपको दिखाया, और ये ग्रेडर ये भी लगभग 35 लाख रुपए में आया सेकेंड हैंड। कंप्लीट है इसके टायर वायर जो भी है, कंप्लीट है, रनिंग कंडीशन थी, फिर हम लोगों ने सर्विस किया और इसको स्टार्ट किया। अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसका हाइड्रोलिक ऑयल निकल रहा है, नट बोल्ट कुछ ढीला लग रहा है, इसे चेक करते हैं। इसका यहाँ से कहीं से हाइड्रोलिक ऑयल लीकेज है, देखो मैकेनिकल टीम को फ़ोन किया है, देखो वो आने वाले होंगे, क्या फॉल्ट है चेक कर लेंगे। तो सामने हमारे राजेश भैया बैग लगाते हुए, GSB टॉप का बेड बनाना है उनको यहाँ पे आगे। पैक लगाते हुए यहाँ पे, अभी पैक लगा रहे हैं, फिर बाद में इसमें लेबल वेबल लेंगे, फिर बेड बनाएंगे। वो खड़ा है अपना ग्रेडर, सामने चल रहा है रोलर, वो है उधर मिलर, जो थोड़ा सा कॉन्क्रीट जो रह गया है, कंक्रीट काम आज यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, फिर हम ये इसका WM होकर हम यहाँ पे DBM कर देंगे। तो यहाँ से कैंप हमारा 2 किलोमीटर है, तो हमने कैंप में भेज दिया है। ये
जाएगा साइड पे, साइड पे ही चेक कराएगा। ओ क्या बोले, प्लांट पे जा रहा है, प्लांट पे ही चेक कराएगा क्या है। ये घड़ी आशु भैया की, हमारी कैंपर, हमारा DBM स्टाफ की जो कैंपर है वो घड़ी अपनी गाड़ी किया। सामने चालू हमारी GSB का कॉम्पैक्शन, बिट्टू भाई जी लगे हैं एस्कॉर्ट रोलर से और आते अपनी साइड पे, ये चल रहा है अपना काम। यहाँ पर DBM का अभी सेकंड लेयर कर रहे हैं, फर्स्ट लेयर हमने कर दिया था, ये कल किया था हमने फर्स्ट लेयर, दोनों साइड इसका फर्स्ट लेयर हो गया, आज हम इसका सेकंड लेयर कर रहे हैं। दोस्तों ये जो डामर हो रहा है ये बाईपास है, भौरा का बाईपास है ये, और ये पूरा जंगल में बन रहा है, इसके उधर भी फॉरेस्ट है और इसके इधर भी फॉरेस्ट है। ये जो आप वायर फेंसिंग देख रहे हैं दोनों तरफ फॉरेस्ट है, इसमें बीच में निकला ये रोड। दोस्तों बाईपास में काम करने का एक फ़ायदा ये है, यहाँ शांति रहती है, कोई हेडेक वाला काम नहीं, बस अपना काम जैसी मर्जी वैसे करते रहो, कोई दिक्कत वाली प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास, ना ट्रैफिक का टेंशन, ना कुछ, ना कोई दूसरी गाड़ियाँ आ रही हैं, बस अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं, अपने हिसाब से करते रहो, बिंदास काम करते रहो। और इसका नुकसान ये है कि यहाँ पे कुछ भी मिलता नहीं है, यहाँ पानी वानी भी अगर आपको चाहिए तो आप अपने कैंप से लाओ या बाहर जाओ, अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं, केवल जंगल है और कुछ भी नहीं है। बाहर आप काम कर रहे हो तो आपको चाय वगैरह जो भी आपको लेना, छोटे मोटे होटल वगैरह, टी स्टॉल, सब कुछ मिल जाएंगे, बाईपास में अभी आप कुछ भी नहीं मिलेगा, जब ये रोड चालू हो जाएगा उसके बाद ही कुछ होगा। तो यहाँ तक पहुँच गए हम, ये ब्रिज के अप्रोच के पास, यहाँ हमने सेकंड लेयर अपना बंद किया है, जॉइंट मिला देंगे वहाँ पे हम, अब पेवर उसका RHS वाले पोर्शन में उसमें ले जाएंगे, पीछे से फिर से लेके आएंगे और RHS वाले पोर्शन का करेंगे सेकंड लेयर। हमारी गाड़ियाँ ये आधा खाली हो गया, आधा बाकी है, इसको भी पीछे लेके जाते हैं, वहाँ पर चालू करेंगे। तो ये चल रहा है हमारा सामने DBM का सेकंड लेयर, सारे जिस वाले पार्ट में देख रहे हैं, इधर जो हमारा LHS पार्ट है जिसको हमने अभी लेइंग कर दी है, यहाँ पर हम PTR चलाते हो सेकंड लेयर टॉप लेयर पर, दुर्गेश यहाँ पर PTR चलाता हो। चलिए मैं आगे के इस साइड में लेके चलता हूँ, GSB की ट्रिपें आने लग गई हैं साइड से, क्रशर से। ये हमारे मगर सिंह उस्ताद हैं, GSB की गाड़ी लेके आ रहे हैं क्वारी से, तो ये चलने लग गया अपना ग्रेडर, GSB का यहाँ पे टॉप बना रहा है वहाँ पे, और ये क्वारी से आने लग गई हमारी गाड़ियाँ GSB की, साथ ही साथ हम उनको खाली करते जा रहे हैं। जो जो बॉक्स कलवर्ट है, बॉक्स कलवर्ट के पीछे हमारा पूरा क्लियर है, इसके आगे का ही रह गया है। दोस्तों यहाँ पे पैक पर लेबल दिया हुआ है, तो मटेरियल जितना लग रहा है आप उतना ही खाली करिए, नहीं तो ओवर मटेरियल हो जाए फिर ग्रेडर से कटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी हमारे राजेश भैया हैं, उनको पता है कितना मटेरियल किस पॉइंट पे लगना है, उतना ही खाली करेंगे वो। GSB का यही है, GSB का सब ग्रेड बेड बनाने से पहले आपको जितना रिक्वायरमेंट है आप उतना ही लिए, ज़्यादा ओवर हो जाता फिर कटिंग करना पड़ता है, नहीं तो बाहर करना पड़ता है, ये मटेरियल कॉस्टली रहता है, इसको बाहर नहीं कर सकते, या तो फिर उठाना ही पड़ेगा हमको। तो सामने हमारा भैया, हमारे संदीप भैया चेक कर रहे हैं बेड पॉइंट को, कितना फीलिंग है, इधर ग्रेडर पीछे पीछे से लेवल करता हुआ इसको, ग्रेडर वो प्लांट पे गया था थोड़ा सा, कहीं ओवर हो गया था इसमें ट्रांसमिशन ऑयल, इसलिए फेंकने लग गया था, अभी ठीक होके वापस आ गया है। ये खड़ा है दोस्तों हमारा बिटुमिन स्प्रेयर, ये स्प्रे मारे खड़ा हुआ है, ये हमारा बिट्टू बाजी का रोलर है, ये एस्कॉर्ट का है, ये हमारे मोती काका है, मोती काका हम PTR में हमें पानी भर रहे हैं,
काका काका राम राम। ठीक है वो भर के खड़ा कर ले, मतलब भर के उधर चलाने जा रहा था, ज्यादा ले जाना। हाँ ये बोलेरो आप देख रहे हैं, हमारे साथ की बोलेरो है, हमारे हाईवे इंजार ने सर उनकी बोलेरो है। पीटीआर में पानी कल करेंगे, कल ये वाटर टैंकर बेड के ऊपर अभी लगेगा, पीछे चलता हुआ ग्रेडर। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, दो तीन लोड और आएंगे डामर के, मैं उसको खाली करके मैं भी फ्री होता हूँ यहाँ से। यही थोड़ा सा टुकड़ा रह गया है, दो दिन में हो जाएगा रेडी, फिर हम पेवर शिफ्ट करेंगे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।